मुंबई में अगर किसी बैचलर और निठल्ले लड़के को किराए पे घर मिल जाए तो समझ लो भैया उसने आधी जंग जीत ली। नील क्या है नील? वी आर द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री। रणवीर को पहला ब्रेक हम लोगों ने दिया था। आपसे बात हुई थी ना फ्लैट से रिलेटेड, 60,000 रुपए सर, ये आप रख लीजिए। तो घर के दरवाजे के बाहर एक गमला है, उसके नीचे पड़ी एक चाबी, दरवाजा खोलकर बिल्कुल पीछे वाले कमरे में चले जाना। अरे घर में हजार मुताई चल रही है साला, हमारे पाप अरे सरकारी संडास समझाऊंगा तुम्हें, ये देखो खजाना। यह काम कब चालू होता है? अरे यहाँ ऐसे ही काम होता है। ये लेने वाले ऑडिशन जिस दिन से मैं चंदू से मिला हूँ ना, उस दिन से मेरी बस लगी रही है। जैसे तैसे लोग आते हैं इस ऑफिस में, मत भगाओगे। 8 दिन में तू और ये चूतिया दोनों घर से बाहर, कट गया तेरा। अभी आधी ही तो जीती थी, आधी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज से आप सब लोग एक नया शो एक्सपीरियंस करेंगे। मदारी डमरू तो बजाएगा पर बंदर को पता तक नहीं चलेगा कि वो तमाशे में नाच रहा है। दौलत शोहरत की हसरत पर मुफलिस की फूटी किस्मत, जिसमें कुवत उसके जन्नत कुवत क्या सीरत क्या नाच सुखा दे रहा है। इसकी कितनी रेडी है, हम कब फसीला समझ रहे हैं। भाई पूरा ड्रामा इसके अंदर रख, इसके तंबू करना है, इसके तंबू करना है, इसके तंबू करना है। अमीरों के बाजारों में रे बाजार का नजीर, भाई अपना चैनल हिट हो गया है। जा और कुछ काम ढूंढ कर आ, अदरवाइज इट्स ओवर। ये आदमी कास्टिंग के नाम पर मुझे यहाँ बुलाकर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। और बोली वाली लड़कियों को कास्टिंग काउच में फंसाते हैं। मैं तेरी चिता चला देगा। तुम लोगों ने मेरा सेक्स वीडियो डाला है। C4 लोगो है इनका, ये देखो ये 4 गुने चूतिए हैं ये। एक मंत्र दे रहे हैं, गांठ बांध लो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और तुमको बर्बाद करेंगी भोसड़ी की ये लड़कियां।